हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स और एक्सरसाइज 6.1 हमारी चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। पी आर टी तो हमें ये एंगल्स जो है वो इक्वल प्रूव करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, अगर हम लोग पी क्यू एस और पी क्यू आर को ऐड करेंगे तो इट विल बी 180 डिग्री। और उसकी वजह क्या है? लीनियर पेयर। एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो दो एंगल्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। देन एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी 180 डिग्री के हो गए और उसका भी रीजन सेम होगा, दैट इज लीनियर पेयर। और इट लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप क्या लिख सकते हो कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर का जो सम है वो पी आर टी प्लस पी आर क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल आई है। नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें गिवन है। पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल दिए हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर को तो पी क्यू आर ही लिख लो, या आपकी मर्जी है। आप मतलब एक एंगल को रिप्लेस करना है हमें, चाहे पी आर क्यू कर लो चाहे पी क्यू आर को कर ले, तो मैं पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर यहां पर इसको लिख दूंगा। अब पी क्यू आर एंगल्स जो है वो उनको एक साइड पे इकट्ठे कर लो, तो ये वाला पी क्यू आर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। पी क्यू आर प्लस का और पी क्यू आर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के इक्वल आ जाएगा, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था और यही प्रूव हमारा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का डन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स प्लस वाई, एक्स यानी कि ये वाला एंगल, वाई यानी कि ये वाला एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। डब्ल्यू हो गया है बी ओ डी और जेड है आपका ए ओ डी। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, तो ए ओ बी एक लाइन है वो हमें प्रूव करना है। ये जो रेड डॉट है दिस इज पॉइंट ओ। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी। ए ओ सी बी ओ सी बी ओ डी और ए ओ डी, इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री का होगा, और हम लोग लिख देंगे यहां पर कंप्लीट एंगल। ए ओ सी जो एंगल है इसकी वैल्यू वाई है, बी ओ सी की वैल्यू एक्स है, बी ओ डी की वैल्यू आपके पास डब्ल्यू दी हुई है और ए ओ डी की वैल्यू जेड दी हुई है, तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ इसको हम लोग एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। डब्ल्यू प्लस जेड एक्स प्लस वाई के इक्वल दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। हम लोग ब्रैकेट में लिखने वाले हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इट इज गिवन। तो एक्स भी 2 टाइम्स हो गया और वाई भी 2 टाइम्स हो गया, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू 360. तो x प्लस वाई जो है वो 360 सॉरी हाँ जी 360 आएगा अपॉन 2 चला जाएगा तो इट विल बी 180 डिग्री. तो यानी कि एंगल x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के आ गया. एंगल x क्या है BOC और y क्या है AOC. तो इसका मतलब क्या है एज O इज कॉमन पॉइंट, जो O है वो कॉमन पॉइंट आ रहा है एंड OC इज कॉमन साइड और O जो है वो एक OC जो है वो कॉमन साइड बन रही है दोनों एंगल्स में, विच इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. तो इसका मतलब ये लीनियर एंगल्स का पेयर है और जब लीनियर एंगल्स का पेयर होता है इसका मतलब ए ओ बी इज अ लाइन. या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि बी ओ सी और ए ओ सी को ऐड करके हमारे पास एंगल ए ओ बी बन रहा है दैट इज 180 डिग्री. और अगर कोई लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है तो इसका मतलब वो एक लाइन लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करती है. तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे AOB is a line. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का डन हुआ. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.